Good afternoon all. Welcome back to our online classes. This is Shubhangi Miss from 2nd standard and today we are going to learn about our 13th lesson is help helps. So today we are going to learn about exercise look at the sentences in A and B again. There are 9 doing words. Find of them end in s or es. Write them here. One word has been written for you. Works. अब A और B exercise हमने देखी. A और ये B. तो जिन जिन words को s लगाया है हमने या es लगाया है तो ऐसे words हमने यहाँ पर लिखना है. जैसे कि works, teaches, barks, rises and drinks. तो आपको ये अपनी टेक्स्ट बुक में लिखना है. देन नेक्स्ट देखो 4 डूइंग वर्ड्स डू नॉट हैव एस और ईएस. राइट देम हियर. अब 4 वर्ड जो है वो ऐसे हैं इन दो एक्सरसाइज में जिनको एस या ईएस नहीं लगाया है. जैसे कि प्ले, हेल्प, बार्क, वर्क. देखो तो वही हमको लिखना है. वर्क्स, बार्क, हेल्प, प्ले. हो गई ये एक्सरसाइज. देन देखो आफ्टर ही शी इट द गर्ल. ही इज सिंगुलर प्रोनाउन. She is also singular pronoun. It, the girl, ये singular है. The doing words end in s or es. जो भी doing word है, जो भी verb है, उनको हम s या es लगाएंगे. ठीक है? Then, they, the girls. अब जो भी plural noun और pronoun है, that time the doing word does not have yes or es. अगर sentence में plural noun या pronoun होते हैं तो उस समय हम verb को s या es नहीं लगाते. जैसे कि I, जब भी sentence में I होगा तो हम verb को s नहीं लगाएंगे. Then you is plural pronoun. We, they, the boys, boys that means plural noun. Then my son, then Usha and I, then trees, यानी कि बहुत सारे trees. मतलब ये है कि अगर plural noun या pronoun होता है तो उस समय हम doing word को s नहीं लगाएंगे. और sentence में अगर singular noun और pronoun है, मतलब एक ही वहाँ पर noun है या pronoun है, singular है वो, तो उस समय हम doing word को s लगाएंगे. अब यहाँ पर example देखो he. हम boy को या woman को, boy को या man को he use करते हैं. ठीक है? तो he का मतलब होता है singular pronoun. She हम girl को या woman को बोलते हैं तो ये भी अकेला pronoun हुआ, एकवचन pronoun हुआ, सिंगुलर प्रोनाउन हुआ. तो इस तरह से दिस बुक ये सिंगुलर है. द ट्री एक ही ट्री है तो ये भी सिंगुलर नाउन है. माय ब्रदर तो ये भी सिंगुलर नाउन है. लक्ष्मी सिंगुलर नाउन है. द बॉय सिंगुलर. तो सेंटेंस में जो नेमिंग वर्ड है, जो प्रोनाउन है, जो नाउन है वो सिंगल है तो उस समय हम डूइंग वर्ड को एस लगाएंगे. और अगर सेंटेंस में प्यूरल नाउन और प्रोनाउन होंगे तो हम उस समय डूइंग वर्ड को एस या ईएस नहीं लगाएंगे. दैट इज द रूल. ओके, सो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस एक्सरसाइज. सो यू हैव टू राइट इन योर नोटबुक.
नीटली एंड प्रॉपरली. ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी लेसन के साथ. तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय.